इवनिंग गाइस। तो अभी टाइम हो रखा है 10 बजे में और मैं अभी आई हूँ बस अपनी शॉप से। आने के बाद मतलब 10 बजे से पहले भी हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि चलो ना हम शॉप पे के आते हैं। तो हम शॉप पीने गए थे बट वहाँ पे शॉप मिल रहा था नॉनवेज, तो मैं नॉनवेज नहीं खाती ना नॉनवेज कुछ पीती, तो वहाँ से शॉप हो गया कैंसिल। तो उसके बाद हम खा गए हैं गोलगप्पे और ध्रुव आ रहे, ध्रुव को बताया नहीं क्योंकि ध्रुव को लेके नहीं गए थे। हाय, ये क्या लाया है? आपकी चप्पल दिखाओ गाइज को, बोलो हेलो गाइज। हेलो गाइज, बोलो कैसे हो गाइज? मैं अभी आप क्या बना लो? मैं चावल बना रही हूँ, दाल के साथ खाओगे ना? गाइज को बोलो गाइज मैं ना अभी काका के रूम से आया हूँ। ऐसे जिप क्यों कर रहे हो? बस आपने क्या खाया ऊपर? कौन खाया? कुछ नहीं खाया। हाँ। फोन करके पूछो यार। नहीं, आज मत पूछो, आज भी मत पूछो। आज मत पूछे? हाँ। चलो ठीक है। सब ध्रुव आज ऊपर ना कुछ भी नहीं खा गया है और ध्रुव के लिए अभी हम ना कुछ लेके भी नहीं आए क्योंकि हम लोग ना कहीं गए थे और ध्रुव को हम ना लेके नहीं गए वहाँ पे। नहीं कहीं गए थे? हम गए थे मैं और पापा। कहाँ पे? आप बताओ कहाँ गए थे? मुझे नहीं पता। हम गए थे लड्डू के पास, पापा लेने गए थे लड्डू को। मम्मा की वीडियो को क्या करना है? लाइक करो। और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना। और वीडियो को क्या करना है? सब्सक्राइब करना। शेयर करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। कमेंट करूंगा। अच्छा ध्रुव, अगर गोलगप्पे खाके खाने चले हम? सच्ची में मन करता है आपका गोलगप्पे खाने का? तेरे को मैं खा लूं तो गोलगप्पा जैसा है? चल ठीक है गाइस, मैं ध्रुव के लिए आज लेके आई हूँ गोलगप्पा। इधर बैठो। क्या सूजी वाले गोलगप्पे लेके आई बहुत ही अच्छी से जगह पे। मैं और हस्बैंड खा के आए थे तो ध्रुव को लेके नहीं गए और ध्रुव भी आया है। ये देखिए आलू। मम्मी आपने मैंने ही लाए सारे। और क्या मम्मी? मम्मी मम्मी पापा नहीं खाएंगे? ठीक है मैं खा लेती हूँ। और सारे गोलगप्पे सारे खा लेगी? ये क्या है? नीचे उतारो, नीचे उतार दो। चलो ठीक है। और गाइस यहाँ पे साथ साथ में बन रहे हैं हमारे चावल जो काफी हद तक बन चुके हैं। रुको बेबी, हाँ जा पापा के पास ले जा, जा खा ले। जो काफी हद तक बन चुके हैं। कैसा है? मिठाई खाई आज आपने? एक ही गाइज मैं भी खा लेती हूँ ध्रुव के साथ साथ में क्योंकि छोटा सा बच्चा है ना, इतने ज़्यादा नहीं खा सकता। और आपको क्या करना है? हंसी क्यों आई आपको? खाना खाओ, आप भी खा लो। हे गाइज गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बजे हुए 9 और मैं अभी आई ना सीधा ध्रुव को उसके स्कूल छोड़ के मां गई थी थोड़ी देर पार्क में। मैंने सोचा चलिए पार्क में चलते। ये वाला पार्क ना यहाँ से आपको थोड़ा सा लगेगा अजीब सा, तो ये देखिए बहुत बड़ा पार्क है और मैं स्कूटी से उसको छोड़ने आई थी तो स्कूटी मैंने बाहर खड़ी कर दी है। और अभी हम ना मैं वेट करूँगी, मेरा वेट देखना आई थिंक 67 पॉइंट कुछ के समथिंग था और अभी कितना हो गया ये नहीं पता क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं कम करूँ। बट अभी मेरे को ये लगता है, ये मेरे को आइडिया सही लगा ध्रुव के आने के बाद मैं डेली आधा घंटा कम से कम मैं वॉक करूँगी और उसके बाद फिर मैं घर जाया करूँगी।
क्योंकि फिर बाद में ना पूरा दिन नहीं हो पाता अपने हेल्थ के लिए। मैं यहीं पे करने वाली हूँ आज स्टार्ट। चलिए आपको पार्क का व्यू भी दिखाती थी। ये बहुत बड़ा पार्क है वैसे। ये देखिए जंगल की तरह। चाट हम ना अभी ऐसे ही करेंगे, हर दिन अलग अलग पार्क में जाया करेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। ये देखिए गाइज बहुत बड़ा इस साइड इस तरह से घर है। हाय जी, तो फिर मैं अभी पहुंच गई हूँ घर। और पार्क से आने के बाद बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आते टाइम अपनी शॉप की साफ़ सफाई भी करके आ गई हूँ। और अभी मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी आलू बीन्स की। तो आलू और बीन्स की सब्ज़ी अभी बनाऊँगी। थोड़ी है बीन्स, आलू तो थोड़े से ज़्यादा थे। फिर अकेले बीन्स के साथ आलू अच्छे भी नहीं लगते ऐसे। तो यहाँ पे बस अभी अभी दोपहर का ही जो लंच है वो बनेगा। इतनी सी सब्ज़ी मैंने तैयार कर ली है, साथ में टमाटर प्याज अच्छे से उनको भी चॉप करके रख लिया। और गाइस ये जो बटरफ्लाई वाला चॉपर लेके आई हूँ ना, ये सीरियसली बहुत बहुत अच्छा है। बटरफ्लाई नाम से है, मतलब कंपनी का नाम होगा बटरफ्लाई, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अभी फटाफट से सब्ज़ी बनाते हैं। और आज पता है क्या हुआ था, आज सुबह सुबह ना लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, लाइट नहीं थी तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और मैं आज फिर बाद में दोपहर को शॉप में गई थी 11:30 के आसपास। तो यहाँ पे बस तेल अच्छे से गर्म हो रखा है, तो फटाफट से सब्ज़ी बना लेते हैं। सही 12:15 बजे के, अब मतलब 12:15 12:15 हो रखे हैं। तो फिर हो जाएगा गुड आफ्टरनून, तो अभी बोल देती गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज डे है फ्राइडे। और आज सुबह पता है मैं ना जब ध्रुव को स्कूल छोड़ के आई थी ना, उसके बाद फिर मैं ना मतलब स्कूल वगैरह छोड़ने के जाते ही मैं ना फिर पार्क चली गई थी। और पार्क से थोड़ा सा टाइम लगा, फिर दुकान की भी साफ़ सफाई की, उसके बाद फिर मैं घर गई। तो घर जाके पता देखा कि लाइट नहीं है। हाँ, और मैं घर पहुंच गई थी 9:30। तो उस टाइम मैं घर गई, घर पे लाइट नहीं, कम से कम मैंने 1.5 घंटा वेट किया, फिर भी लाइट नहीं आई। तो अभी बस सुबह सुबह आई हूँ मैं। आज बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी से नहा के, इतना ज़्यादा मेरे को ना बहुत ज़्यादा गर्म पानी अच्छा लगता है, बिल्कुल भी जैसे नॉर्मल वाला पानी होता है ना उससे भी मैं नहाना पसंद नहीं करती। तो बिल्कुल ठंडे से पानी से नहा के आई हूँ, वो भी क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी सुबह से। वजह से मैं पूजा वगैरह करती हूँ ना, कुछ भी मतलब खाना वगैरह खाती नहीं हूँ, हल्का फुल्का। पहले क्या होता था कि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह खा लेती थी और उसके बाद पूजा करती थी, लेकिन बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह खा लेती थी। लेकिन एक दिन मेरे जीजा जी हैं, उन्होंने कहा कि अन्न कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पंडित वगैरह से मैंने नहीं सुना और किसी रिलेटिव से भी नहीं। तो मेरे जीजा जी थे वो बोल रहे थे कभी भी पूजा करो ना तो अन्न नहीं खाना चाहिए और अन्न जाना भी नहीं चाहिए, उससे पहले पूजा करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने ये नियम बना लिया है। कभी कभार हो जाता है जैसे बहुत ही ज़्यादा मतलब जोर से भूख लगी तो नहीं होता था कंट्रोल, अलग बात है। बाकी मैं जितना होता है ना कंट्रोल करती हूँ और फिर बाद में पूजा वगैरह करने के बाद ही खाना खाती हूँ। तो पूजा मेरी हो गई है अच्छे से, यहाँ पे भी हो गई और घर पे भी हो गई। तो बस यही, और ध्रुव जा चुका स्कूल, अभी बस 1/2 घंटा बाद उसको लेके आना है स्कूल से। और आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और पार्क में ना मैं ये वाले ही कपड़े पहन गई थी, तो अभी मेरे को ना ये वाले फिर भी कम्फर्टेबल लगे, मैं यही वापस पहना है। क्योंकि एक तो ये वूलन में है ये वाली, और ये मक्कल शाम को पहने तो ख़राब नहीं हुई। और अभी पता है मेरे जो सूट होते हैं ना, वो हर सूट पे मेरे को ना प्रेस करके ही पहनने पड़ते हैं, और अभी कोई भी सूट ऐसा नहीं था प्रेस किए बगैर। बाकी सारे कपड़े मेरे हो रखे थे मेले, मैंने मशीन भी लगा दी थी और बाद में पता चला कि लाइट भी नहीं है। तो चलिए बस, और अभी मैं पूजा दिखा देती हूँ आप लोगों के यहाँ। ये देखिए गाइस, तो दुकान में भी हमारी पूजा हो रखी है बहुत अच्छे से।
तो सुबह सुबह ये बर्तन थे ना जो पूजा वाले, ये मैं धो के साफ करके चली गई थी और तब तक ये सूख भी गए। अभी आने के बाद फिर आराम से, और अभी मैं ना घर पे बस सिर्फ चाय चाय पी के आई हूँ। देखिए पी हूँ, ये मैं लाई हूँ आलू और बीन्स की सब्ज़ी। तो इसका कलर बहुत ही प्यारा आया, बट कैमरे की क्वालिटी कुछ इस तरह से लग रही है, जिसमें थोड़ा सा फीका फीका। ये देखिए इसका बैटर फिर भी, और साथ में मैं लेके आई हूँ परोठी, ये देखिए तो थोड़ी सी मोटी बना के लेके आई हूँ क्योंकि इस तरह की। तो ये देखिए हमारे परोठे भी बनके अच्छे से तैयार है। और गाइस कल पता ना मैं घी निकाला था, उसी घी से मैं परोठे बना के लाई हूँ। तो चलिए गाइस फटाफट से खा लेते हैं खाना, एंड उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ध्रुव को लाती हूँ तो आप लोगों को मिलवाती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं ना जब से मैंने शॉप ओपन किया ना, उसके बाद में थोड़ा सा लालचीपन आ गया मेरे में, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि मैं ज़्यादा कोई प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ, पहले मैं इतने प्रोडक्ट लेती थी इतने ज़्यादा, अपनी खुद की शॉप नहीं थी। तो अब बस एक दो लिपस्टिक निकाली हुई, वो भी मैंने यहीं रखी हुई है, तो घर पे कोई लिपस्टिक नहीं है। तो बस ये वाला पड़ा ही है जो मेरे को हस्बैंड ने बेस्टीज की जब कंपनी में काम करते ना उस टाइम लेके आए थे ये, तो वो लगा के आते थे। वैसे इतना ज़्यादा मेरे को पसंद भी नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा चलो कोई ना पड़ा है तो हल्का से ये लगा लेती हूँ। तो चलिए खाना वगैरह खाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से।